हे गाइस, ये मेरी सेकंड वीडियो है जो कि मैं बनाने वाली हूँ धौली के ऊपर। तो हम लोकेशन पे तो आ गए हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो जल्दी जल्दी चलिए हम ऊपर चलते हैं। और धौली का जो पूरा व्यू है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम पहले धौली देख लेते हैं, वहाँ पर मैं सारी डिटेलिंग आपको बता दूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो के लास्ट में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अभी धौली के पास। ये आप देख सकते हो वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि धौली को जाने के लिए वो रास्ता है। आप आगे जाएंगे तो ये वो बाईपास है जहाँ से आप पूरी जा सकते हो, और आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ आप भुवनेश्वर जा सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं, मैं आपको रास्ते का थोड़ा सा व्यू लेके दिखा देती हूँ। देखिए, ये है धौली जाने के लिए जो रास्ता है, ये है। ये जगह अभी काफ़ी सुनसान है क्योंकि जो मैं शूट कर रही हूँ अभी दोपहर के टाइम पे शूट हो रहा है, तो ज़्यादा लोग कुछ है नहीं। ये है धौली के पास जो है, ये वो पिकनिक जगह है। एक्चुअली हम लोग काफ़ी बार यहाँ आ चुके हैं पिकनिक करने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर जगह में बहुत ज़्यादा जंगल है, लेकिन इतना ज़्यादा भी जंगल नहीं है। ये इस जगह की खासियत है, ये जगह इतने सारे पेड़ पौधों से भरा हुआ है। देखिए, हम इस रास्ते से जा रहे हैं और थोड़ी दिख रहा है यहाँ से, अभी बहुत दूर जाना बाकी है, ऊपर जाना बाकी है। ये बहुत हाइटेड पर है, मतलब उड़ीसा के सबसे जो ऊंची जगह में से ये एक है, और एक खंडगिरी है। नेक्स्ट वीडियो हम खंडगिरी के ऊपर शायद बना सकते हैं। अभी आप धौली को अच्छे से देख लीजिए और एक्सप्लोर कर लीजिए। ये अभी हम पार्किंग जगह पे आ चुके हैं, यहाँ पे पार्किंग होता है। ये कार पार्किंग है और ये बाइक वाला पार्किंग है। तो पार्किंग ख़त्म करके फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने है धौली। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, पार्किंग हो गया हमारा। तो अभी कोविड के चलते काफ़ी कम टूरिस्ट है, वरना यहाँ पे इतने सारे लोग होते थे कि मतलब नहीं भैया, फ़ोटो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग पूछते रहते हैं फ़ोटो के लिए। तो आप लोग अच्छे से धौली को एक बार देख लीजिए। मैं ये देखिए, ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये लाइट शो के लिए यूज़ किया जाता है। धौली पे एवरीडे लाइट शो होता है, जो कि ये है उसका स्क्रीन। मतलब धौली जो है ये वाइट कलर का है, तो यहाँ पे वो पिक्चर जो है रिफ्लेक्ट होता है और सब लोग यहाँ पर बैठ के वो शो को इन्जॉय करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, एक स्टोरी बताऊंगी, जब हम घूमेंगे और चारों ओर मैं आपको दिखाऊंगी तब मैं वो स्टोरी आपको बता दूंगी कि किस चीज़ के बारे में होता है ये लाइट शो। ये धौली के बाहर का शॉट है, मैं ले रही हूँ। ये दुकान है यहाँ पे, तो आप अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं जो कि डेकोरेटिव हो, पर्स वगैरह हो, तो आप यहाँ से ले सकते हो। वहाँ पर भी एक शॉप है। आगे चलिए, मैं आपको और शॉप्स जो है, क्योंकि इसका एग्ज़िट है ये, यहाँ से एग्ज़िट पर है ये।
अब देख लीजिए यहाँ पे बुद्ध जी की काफ़ी सारे जो है मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चलो चलो हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा खाने की चीज़ें रखी गई हैं, बस इतनी ही है, और नीचे भी और भी है। चलो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स है बाहर। आप अगर यहाँ पे आते हैं और कुछ खरीदने की मन करे तो आप खरीद सकते हैं। ये है वो जगह, ठीक है, डन। चलो अब हम घर जाते हैं, कड़ी धूप में जल चुके हैं। मरने से पहले घर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तो आप लोगों ने देख लिया पूरा जो धौली का व्यू था। एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, मैं घूम घूम के अगर बोलूँगी तो वो क्या होता है ना, तो थोड़ा फंबलिंग हो जाती है, तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। एक्चुअली ये जगह दिखाने की एक रीज़न ये है कि उड़ीसा को जो है बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है। उड़ीसा से आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले जो था वो उत्कल के नाम से जाना जाता था और कलिंग के नाम से भी जाना जाता था। तो जब कलिंग था उड़ीसा का नाम, तब जो राजा थे ना, उन्होंने हमारे जो उड़ीसा के राजा के साथ उन्होंने कर लिया था युद्ध। तो उस युद्ध का कारण था एक राजकुमारी जो कि उड़ीसा की थी, तो उसकी वजह से खून की जो नदियां हैं ना वो बह गई थी। मैंने आपको एक व्यू ऊपर दिखाया था, वो है कि जो दया नदी का है, दया नदी पे ना तब जो कहते हैं ना रक्त की नदियां बह गई थी, तो वो थी। तो उस रीज़न की वजह से जो राजा थे अशोक, उनके मतलब उन्होंने जो लिया था वो चंडाशोक से धर्माशोक में कन्वर्ट हुए थे, और बौद्ध धर्म लेकर के ना वो कन्वर्ट हो गए थे। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोगों को वो मार चुके हैं, वो भी सिर्फ इस रीज़न के लिए कि उनको राजकुमारी जो है वो मिल जाएगी, तो इसी वजह से उन्होंने अपना जो धर्म है उसको कन्वर्ट किया था। तो उसी चीज़ के ऊपर धौली बनाई गई है, ये कि शांति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने वहाँ पे अपना अस्त्र त्याग किया था और फिर चंडाशोक से धर्माशोक में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये वो कहानी थी जिसकी वजह से ये जगह इतनी फेमस है। और आप जब यहाँ पे आकर के लाइट शो देखेंगे तो यही स्टोरी आपको वो लोग लाइट के थ्रू नैरेट करके इस टेम्पल के ऊपर दिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और आप इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश की हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सारे जो है जगह मैं आपको दिखा सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टूरिस्ट प्लेस पर ज़रूर जाएँगे, और जल्द से जल्द वो वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू, आई लव यू ऑल, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।